सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है लोकसभा। आज हम इस लोकसभा के बारे में इतना व्यवस्थित रूप से और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि एक बार यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे, कंप्लीट पूरा का पूरा टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। अब जो ये लोकसभा है, इसके बारे में बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 81 में, 21 आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। अब लोकसभा को हम किन किन नामों से जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखो, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। उसके अलावा लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, लोकप्रिय सदन। निम्न सदन हो गया, लोकप्रिय सदन हो गया, अस्थाई सदन भी बोलते हैं इसको, अस्थाई सदन। और इसको जनता का सदन भी बोला जाता है, जनता का सदन। अब देखो, हर शब्द का अपना एक अर्थ है। हर शब्द का अपना एक अर्थ ये है कि उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं और निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन इसलिए है कि भारत में सरकार का गठन लोकसभा के आधार पर ही होता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। मुख्य रूप से जितने भी हमारे मंत्रिमंडल है, अधिकतर जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा से निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा से भी होते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर। उसके अलावा ये अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन में आता है, और जबकि ये अस्थायी, अस्थायी क्यों? अस्थायी होने का एक ही कारण है कि यह सदन है वो सिर्फ 5 साल के लिए ही बनता है, उसके बाद में इसका विघटन कर दिया जाता है, वापस देश में चुनाव होते हैं और एक नए सदन का वापस प्रारूप हमारे सामने आता है। उसके बाद में जनता का सदन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो बैठते हैं, इसलिए हम इसको जनता का सदन भी बोलते हैं। तो ये सभी इस लोकसभा के उपनाम हैं। अब अपन यदि इसकी सदस्य संख्या के बारे में बात करें कि सदस्यों की जो संरचना है कि लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, कितने हो सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो लोकसभा में जो अधिकतम जो सदस्य संख्या, सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। अब ये 552 का भी क्या क्या गणित है, 550 प्लस 2, 550 निर्वाचित और 2 मनोनीत। अब ये मनोनीत की कहानी आपको स्पेशल रूप से अलग से मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, बस इसको याद रखो कि 2 सदस्य ये मनोनीत होते हैं। टोटल 550 निर्वाचित के रूप में। अब ये जो हो सकते हैं सदस्य संख्या, अधिकतम हो सकती है वर्तमान की दृष्टि से, किंतु वर्तमान में है नहीं, वर्तमान में अपन बात करें तो 530 सदस्य, जो ये 530 सदस्य हैं ये राज्यों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राज्यों से। इन 552 में से 530 सदस्य हैं राज्यों से, और 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 आते हैं मनोनीत, मनोनीत सदस्य। अब अपन इसमें देखें कि वर्तमान परिदृष्टि से कि ये क्या स्थिति है इसमें, तो 530 वर्तमान में 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, किंतु केंद्र से यहाँ पर वर्तमान में 20 नहीं, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य ही आते हैं। तो 530 और 13 यदि इनको अपन जोड़ दें, 543 सदस्य निर्वाचित, ये जो 543 सदस्य हैं ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और
दो सदस्य होते हैं, ये होते हैं मनोनीत। अब यहां पर इन मनोनीत के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पहले दो सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, और ये जो दो सदस्य हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन कौन से हैं? ये एंग्लो इंडियन वो है कि पहले अंग्रेज थे, वो बाद में भारतीय बन गए, वो एंग्लो इंडियन। किंतु हमारे नया संविधान संशोधन 2020 में 104वां संविधान संशोधन में ये क्या कहा गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। आपकी किताबों में यही दे रखा है कि दो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अभी नए आंकड़े दिए नहीं हैं, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत अब राष्ट्रपति को दो सदस्य मनोनीत करने का अधिकार नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि अधिकतम अब 550 सदस्य ही रह सकते हैं, 552 नहीं होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। ये पूरा का पूरा गणित हो गया। अब इन सदस्यों का चयन किस आधार पे होता है वो देखते हैं। सदस्यों का चयन, अब इनकी जो चयन की जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है, ज्यादा वो याद करने वाली नहीं है, बस एक बार समझ लो। देखो, चयन में पहला कार्य है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन, यहां पर एक शब्द आता है प्रत्यक्ष और दूसरा आता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ हो गया कि प्रत्यक्ष रूप से जहां पर जनता वोट दे रही हो, सीधे जहां पर जनता भाग ले रही हो, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। चुनाव होते हैं जहां पर जनता वोट दे रही है और किसी उम्मीदवार को जिता रही है, ये हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और अप्रत्यक्ष का अर्थ है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे किसी अन्य को चुनते हैं, वो हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। उसके अलावा दूसरा सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर, अब ये सार्वभौमिक मताधिकार क्या है कि हमारे यहां पर 18+ से 18 वर्ष की आयु का हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है। तो 18 से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में भाग ले सकता है। अब जो हमारे ये सदस्यों के चयन के बारे में बात हो गया, अब योग्यता भी होनी जरूरी है कि कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य, कुछ योग्यता है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं योग्यताओं के बारे में, योग्यता। अब इन योग्यताओं में हम देखेंगे तो योग्यता सिंपल है। पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। मतलब 25 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है और लोकसभा का सदस्य बन सकता है, मतलब सांसद बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं। लाभ का पद ये है कि वो अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात ये है, सिंपल भाषा में अपन समझे कि वो अन्य किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। यदि उसको चुनाव लड़ना है तो सरकारी पद से त्याग पत्र देना होगा और उसके बाद में वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा अंतिम है कि वो पागल, दीवाना, दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल और दिवालिया, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये मुख्य रूप से चार शर्तें, जो व्यक्ति इन चार शर्तों को पूरा करता है वो लोकसभा का सदस्य आराम से बन सकता है। ठीक है, योग्यताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार योग्यताओं के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन हो चाहे डायरेक्ट दे दिया हो। अब अपन कार्यकाल के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।
कार्यकाल। अब ये सिंपल चीज है, सबको पता है कि मुख्य रूप से जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं लोकसभा का। और हाँ, मृत्यु हो जाए तो वो पहले ही पद खाली हो जाता है, या कोई भ्रष्टाचार के मामले में उलझ जाए या अन्य कोई कारण हो तो वो पद से पहले ही अपना त्याग पत्र दे देता है। और यहाँ पर सरकार के बारे में बात करें तो बहुमत खोने की स्थिति में लोकसभा समय पूर्व ही भंग हो जाती है। ऐसी स्थितियां कमी आती है, एक दो बार स्थितियां आ चुकी है वैसे, कि एक क्या होता है कि जो निश्चित जो जितना बहुमत होना चाहिए, यदि सरकार के वो बहुमत को साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाएगी और लोकसभा पूरी की पूरी भंग हो जाएगी, पुनर्निर्वाचन करवाना पड़ेगा देश में। इसके अलावा अनुच्छेद 85 में, ये अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री यदि सिफारिश करता है कि समय से पूर्व चुनाव हो जाने चाहिए तो यहाँ पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 का प्रयोग करके लोकसभा को समय से पूर्व बर्खास्त कर सकता है। अब अपन इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो एक तरफ अपन अध्यक्ष ले लेते हैं कि अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, दूसरा तरफ ले लेते हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य है कि जो सदन है उसका संचालन सही रूप से किया जा सके, बिना अध्यक्ष के सदन का संचालन नहीं होगा। तो अब अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है और उपाध्यक्ष का कैसे होता है, देखो जो हमने बात की कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनमें आपस में एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं सभी सांसद मिलकर के, लोकसभा के सदस्य अपने अंदर से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में बैठक संचालन के लिए निर्धारित कर लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो शक्तियाँ हैं, इनका जो पद है वो पद और कार्य अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक है। इन दोनों का, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद व कार्य अनुच्छेद 93 से 97 के मध्य है, मतलब 93 से 97 के बीच में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद के बारे में बताया गया है और इनके क्या कार्य होंगे इसके बारे में बताया गया है। अब अपन बात करते हैं लोकसभा की शक्ति, जो अध्यक्ष है उनकी शक्तियों के बारे में बात करें। अपन यदि इनकी शक्तियों के बारे में बात करें तो शक्तियों में मुख्य रूप से एक ये आता है कि अध्यक्ष है वही डिसाइड करेगा कि कोई बिल वो धन विधेयक है या नहीं है, तो कोई भी बिल धन विधेयक सिर्फ अध्यक्ष ही घोषित कर सकता है। धन विधेयक के मामले में क्या है, सिर्फ अध्यक्ष ही ये डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन, अब ये संयुक्त अधिवेशन क्या है वो भी मैं बताता हूं। जो संयुक्त अधिवेशन है वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। इसमें
इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसी स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं कि कोई भी बिल सरकार पास करवाना चाह रही है किंतु पास नहीं हो पा रहा है। तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करता है कि किस अनुच्छेद के तहत, 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन का अर्थ ये है कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य एक जगह बैठेंगे और उसके बाद में उस बिल के ऊपर चर्चा होगी, वो संयुक्त अधिवेशन। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा कि कोई भी बिल को पास करवाने के लिए लोकसभा के अंदर चुनाव होते हैं, मतदान किया जाता है, तो समान मतदान हो जाए कि विपक्ष भी के भी उतने ही वोट हैं, पक्ष के भी उतने ही है, दोनों के बराबर हो, तब अंतिम जो निर्णायक जो भूमिका होती है वो अध्यक्ष की। अध्यक्ष विपक्ष की तरफ वोट देता है तो वो बिल खारिज हो जाता है, और पक्ष की तरफ वोट देता है तो वो बिल पास हो जाता है। कहने का अर्थ है कि बहुमत ना होने पर या बहुमत बराबर होने पर निर्णायक मत का अधिकार, बहुमत बराबर होने पर निर्णायक मत का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है कि देखो, मुख्य रूप से इसके बारे में आपको बताऊं मैं कि ये त्याग पत्र की इनकी क्या प्रक्रिया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा। लोकसभा अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। मतलब ये आपस में शर्त लेंगे, यदि लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद का त्याग पत्र देना चाह रहा है वो किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देगा। और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाह रहा है वो किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये आपस में एक दूसरे देख लेंगे। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं आरक्षण संबंधी प्रस्ताव के, आरक्षण की क्या प्रक्रिया है। क्या यहां पर भी आरक्षण है या नहीं है? अब इतना लिखा है इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आरक्षण की प्रक्रिया है। देखो अनुच्छेद 330 में हमारे संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति के 84 पद, 84 पद है, और अनुसूचित जनजाति के 47, अनुसूचित जनजाति के 47 पद, 47 पद है। इसके अलावा अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन के 2 पद, अनुच्छेद 331 में 2 पद एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित थे, किंतु ये वर्तमान में इसको निरस्त कर दिया गया है संविधान संशोधन 104 के तहत। तो बात समझ में आ गई कि अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 330
में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 पद हमने यहाँ पर आरक्षित कर रखे हैं। इसके अलावा लोकसभा के बारे में एक दो बातें और हैं कि जो मंत्रिपरिषद है ये एक मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, पूरी की पूरी यदि आपसे पूछा जाए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल हम राज्यसभा का एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, उसको भी इतने ही आसान तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।